आज कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा सीट के उपचुनाव का घमासान जारी है। बीजेपी सपा कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। यहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच 288 पोलिंग बूथों पर वोटिंग का सिलसिला चल रहा है। दोपहर 12 बजे तक 20% मतदान हुआ है। उपचुनाव में 3,21,975 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 1,500 सिविल पुलिस कर्मियों के साथ 6 कंपनियां केंद्रीय बल सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। कानपुर देहात और जालौन के बीच सीमा में यमुना नदी पर निगरानी के लिए नावों और वोटों पर पुलिस टीमें गश्त कर रही हैं। बीजेपी विधायक मथुरा पाल के निधन पर खाली हुई सीट पर तीन मुख्य दलों बीजेपी सपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। बसपा ने यहां से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। बीजेपी ने मथुरा पाल के ही बेटे अजीत पाल को मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष रही पूर्व सांसद राकेश सचान की पत्नी सीमा सचान को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने प्रभाकर पांडे पर दाव लगाया है, जबकि तीनों अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं।